हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज रस्तोगी। देखिए बेटा, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था सेकंड ऑर्डर वाले में, ठीक है। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो जो है फर्स्ट ऑर्डर के फर्स्ट डिग्री में आपको बता चुका हूँ। प्ले लिस्ट में आप चेक करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो मेरी वीडियो है वो आपके बीएससी एमएससी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लेने वाले हैं रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ये है कि रिड्यूसिबल है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज को ऐड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ करके। देखो इससे पहले इस वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ पर सेकंड ऑर्डर वाला दे रखा होगा हम क्या मानेंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ करके, टी स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या मानेंगे आप, डी डी माइनस वन y and or t dy over dx सीधा मानेंगे आप dy, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज में आप पुट करिए, इसकी जगह पर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका, मैं यहां लिखा देता हूं, d d minus 1 y plus dy plus y is equal to 4 cos log t। log t क्या माना है, z, तो ये क्या आएगा cos z, ठीक है। आई थिंक बस समझ आ रही होगी, ठीक है। और थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर यहाँ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, जिससे मैं इसको पुट करूँगा ये बन गया। आज से हम क्या करेंगे, वाई वाई फंक्शन कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप वाई वाई गुणा करेंगे तो बन जाएगा डी स्क्वायर, ये माइनस का डी वाई, माइनस का डीवाई प्लस डीवाई कट जाएगा तो वन बचेगा, तो प्लस का वन वाई इज इक्वल टू कॉस जेड, ठीक है। ये आ गया आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एन के रूप में तोड़ेंगे इसको, इसको क्या करेंगे एन के रूप में तोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से एम की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे इसको पहले हम, तो CF is equal to e की पावर 0z, इसको मैंने बताया था ना आपको, यू ले सकते हो आप 0 प्लस माइनस आयोटा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया C1 cos z लेंगे क्योंकि z के ऊपर है ना पूरे, तो z लेंगे यहाँ पर, C2 sin z, C2 sin z, तो ये आ गया आपका CF आ गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम निकालेंगे PI, PI कैसे निकालेंगे, PI क्या देगा लास्ट में 4 cos z, 4 cos z over d square plus 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे मान रखेंगे, यहाँ पर करना पड़ेगा हमें 1 लगना पड़ेगा माइनस के साथ, जीरो हो जा रहा है ना, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें यहाँ पर इसका, तो क्या करेंगे फिर z लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका 2d, ठीक है। अब नीचे 2 रखेंगे यहाँ पर, आप d की जगह 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 4 दो कट जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली पी आई जो आएगा आपका वो आएगा आपका
साइन जेड, ठीक है। यहाँ से आपका सी एफ भी निकल गया, और आपका ये आपका सी एफ निकल चुका है, और ये आपका पी आई निकल चुका है, ठीक है। अब फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ मैं, तो इसका तो फाइनली आंसर होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ आपके सामने है, e की 0z, c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस पी आई आपके सामने ये है 2z sin z। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके और अच्छे रहेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ, घर में ट्राई करना इसको, है ना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये आप मुझे इसका सॉल्यूशन जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करना अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो 3x+2 का होल स्क्वायर d2y/dx² प्लस 3(3x+2) dy/dx माइनस का 36y = फोर साइन लॉग लॉग 3x+2। ये तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका मुझे सॉल्यूशन जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा ना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस सेम क्वेश्चन है कि आप इसको p मान के लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये सेकंड ऑर्डर वाले के लिए, फिर इसे पी के रूप में तोड़ लेंगे, e की पावर z, सॉरी z के रूप में तोड़ लेंगे, फिर लॉग आके डायरेक्ट सेम फोर्सेस है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, और लाइक करना, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।